हम लोगों का आ चुका है मला रोटी, जिसको सियाल रोटी भी कहते हैं। पितू का पैसा आने वाला है। ओ भाई, मटन बिरयानी ना आज मेरे पापा ने बनाया, बस इसके लाइन के बराबर कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। एकदम मला रोटी, मला रोटी, मला रोटी, मला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो फिलहाल अभी सुबह के आपके 7:30 हो गए हैं एंड आज थोड़ा सा जल्दी उठा, फिर भी अभी तक फ्रेश अप नहीं, बस ब्रश किया और टॉयलेट जा करवाया हूँ। तो आज मैं करने वाला हूँ सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम, और काम होने वाला है इस खेतों का। वैसे इतना बस थोड़ा सा बाकी है एंड देखते हैं कि आज ये कितना कोर पाऊंगा, वो भी अकेले। एक्चुअली क्या ना, मैं नहाने जा रहा हूँ तो सोचा कि नहाने से पहले थोड़ा ये कर लूँ, क्योंकि कल बारिश था, उससे पहले भी बारिश, तो 2-3 दिन ऐसे कुछ किया नहीं, तो आज सोचा थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि आज कितना कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक तो कोर ही दूंगा, खैर देखा जाएगा। और इधर लहसुन लग चुका है और उधर भी थोड़ा सा बाकी है, और ये लहसुन का देखिए थोड़ा थोड़ा ये निकल चुका है बसंती। कुछ दिन बाद यहाँ पर पूरा हरा हरा दिखेगा। तो खैर गाइस, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, अपना ये काम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का कार्यक्रम खत्म। मैंने कितना कोड़ा देखा, वैसे मैं सोच के रखा था वहाँ तक करूँगा, बट क्या हुआ नहीं, इतने में हालत बिगड़ गया। तो यहाँ से पहले किया होता तो बस इसके लाइन के बराबर कर दिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अब चलते हैं नहाने के लिए एंड नहा के ब्रेकफास्ट करके दुकान पर चलते। आज सुबह सुबह कितना मस्त धूप निकला एंड इधर देखिए ना, क्या मस्त लग रहा है भाई, इतना अच्छा लग रहा है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह नहा धो के अभी सब कुछ हो चुका है एंड अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर एंड थोड़ा देर दुकान पर बैठेंगे एंड एक जगह जाना, कौन सी जगह जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सब वीडियो में बने। तो अभी मैं दुकान पर बैठकर अपना काम कर रहा था, ये पेंट वाले इसका क्या है ना, ये वाले जो देख रहे हो ना, इसका मैं तुरपाई कर रहा था। सो घर पर भी काम किया, यहाँ पर भी काम किया, और घर पर काम करने के बाद ये देखिए मेरा हाथ में कैसा छाला गया, और यहाँ पर काम करते करते देखो कौन आया, बीतुल भैया आ गया हमारे। फाइनली मेरा काम हो चुका है, मेरा यूट्यूब का पैसा आने वाला है। ओ भाई, यूट्यूब का इनका पैसा आने वाला है, और एक फॉर्म देना पड़ता है, जो कि जो नए नए यूट्यूबर है उनको पता है कि कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा। हाँ, तो ये बता दिया था, देखे आ गया मैं बॉस। तो वो देने के बाद तभी आपका अकाउंट में पैसे आएंगे एकदम बड़े बड़े। बीतुल भाई क्या लगता है इस बार नेट का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं, अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो इनका वीडियो भी जल्दी आ रहा है, और इनको नया ट्रिक बताया, आप जब भी वीडियो अपलोड करेगा ना तो जियो सिम का 198 में कॉल कीजिए, उसके बाद आपका एकदम नेट घोड़ा जैसा दौड़ेगा। तो वही कर रहे हैं, पर सेकंड एमबी चल रहा है, अभी एमबी चल रहा है ना, पहले कैसा था, पहले तो स्लो था ना, ये ट्रिक बेस्ट है। हम तो ऐसे करके ना 2 मिनट में वीडियो अपलोड करता है, एकदम फास्ट चलता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ट्राई कर रहा हूँ मैं। A few inches later, पूरा 5 मिनट के अंदर में यूं ही करके अपलोड हो गया। ट्रिक कैसा था, ट्रिक कैसा था बीतुल, बढ़िया ना? ओके बीतुल भाई, जाइए, बाय बाय। 20 मिनट बाद फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको लेके चलते हैं आयरन करने के लिए। आयरन करने के बाद ये पूरा कपड़ा रेडी हो जाएगा कस्टमर के लिए। हमारे साथ क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, जब सुबह मैं अपना पैंट सिला था उस समय बीतुल भैया आए थे मेरे से मिलने के लिए एंड अभी कौन आया देखो, फिर से अभी क्या करना है भाई, इनविटेशन मिला था अपने एक दोस्त की तरफ से माला। अच्छा, तुमको भी मिला है क्या माला रोटी खाने वाला? ओके मुझे भी इनविटेशन मिला, मुझे नहीं पता था कि इसको भी मिला, और साथ ही बीतुल भैया को भी मिला है ना, बीतुल भैया को भी भाई। तो हम लोग तीनों एक ही साथ जाएंगे एंड इसका एक खुशखबरी गाइस, कल पार्टी होने वाला है, इसका पेमेंट आ चुका है। और बीतुल भैया का नहीं हुआ ना अभी तक, उसका आ जाएगा, एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया ना, उसका भी आने वाला है खुशखबरी। अच्छे, सबका खुशखबरी भाई। अभी फिलहाल अभी थोड़ा देर पर हम लोग वेट कर रहे हैं बीतुल भैया का, बीतुल भैया आएंगे उसके बाद हम लोग तीनों एक साथ जाएंगे, एकदम माला लोटी, माला लोटी, माला लोटी, माला माला। तो उसको माला नहीं, माला रोटी वो होता है एक्चुअली, हम लोग माला रोटी बोलते हैं क्योंकि गोल जैसा होता है, बट एक्चुअली उसका जो नाम है सियाल रोटी ऐसे कुछ बोलते हैं। देखते हैं कि वो कैसा होता है, आपको भी दिखाएंगे एंड थोड़ा देर वेट करते हैं एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से आनंद भैया के घर पर, वहाँ पर आज हम लोग का भरपूर खाना पीना होगा, पूरा खाएंगे, उसके बाद जाना है, कल भी होगा ना पार्टी, कल भी होगा, कल तो बाकी है, और कल का क्या होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। हम पहुंच चुके हैं न्यू मार्केट एंड बीतुल भैया जैसे यहाँ पर पहुंचे थे हमें फोन किया, तो हम तुरंत वहाँ से उठकर अपना जो एक मूवी देख रहे थे, क्या मस्त मूवी था कि नहीं, मेजर, तो वो मूवी देख रहा था भाई, एकदम एंडिंग मोमेंट है, और उसके बाद फिर वाला छोड़ो भाई, बीतुल भाई सीन में छोड़ के एकदम एंड भाई मजा आ रहा था, तो हम बोला कि छोड़ो भाई खाना मूवी बाद में, पहले पेट पूजा देखना पड़ेगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी आ गए। और बीतुल भैया आपका बैंक का काम हो गया, कैसा लग रहा अभी?
ओके अच्छा बितुल भाई आज क्या होगा, आज क्या होगा अभी इसके कुछ समय बाद अभी क्या करना है? अब मैं तो यहाँ पर बेसिकली मैं तो खाना खा के आ गया मैं ला, तब कैसे जाएगा अभी? अरे इसके पेट में हमेशा जगह रहता है, देखने के लिए आया और देखने के लिए कभी देखा नहीं, बस सुना हूँ मैं, यूट्यूब में देखा हूँ, लाइव में देखने के लिए आया हूँ। अच्छा और देखते देखते कितना जाएगा आज? बड़ा हरामी हो नाम मला होती है लेकिन वो बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, वो आपको दिखाएंगे कैसा होता है। और एक्चुअली में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पहले भी हम लोग खाए थे बट उस समय दिखा नहीं पाए, पर आज आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या होता है। आर यू एक्साइटेड ऑर नॉट? एक्साइटेड तुम खाने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं? ओके ओके नेटवर्क भाई आनंद भाई आ गए, इतना देर वेट करा दिया। जो भी आपका त्यौहार है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, हमको नहीं पता क्या है उसे बता दीजिए। भाई दूज, ओके भाई दूज, ओके ओके यहाँ पर भाई दूज है ना, तो यहाँ पर आनंद भैया भी आ गया एंड चलते हैं अभी घर के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाला। भाई पानी पी लो। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। आते आते यहाँ पर हमें मिला पानी। बितुल भैया एक ही बार में कर दिया। हम लोगों का आ चुका है माला रोटी, जिसको सियाल रोटी भी कहते हैं, वो आ चुका है। और ये देखिए आपका एलिफेंट फ्रूट और उसके बाद मटर का चटनी बना हुआ है। और ये आपका क्या है ये अनंत भैया? ये मुर्गी है और क्या बोलते हैं कुमड़ा, और कुमड़ा और उसके बाद चिकन डाल के ना। ओके तो ये कुछ आया अभी खाने के लिए, एकदम मस्त से खाएंगे अभी। और बितुल भैया कैसा लग रहा है? जब भी खाना नहीं बितुल, जब भी खाना का नाम आता है ना सबसे पहले बितुल का नाम याद आता है। और ट्राई किया कैसा है? अभी करेंगे भाई दोस्त का साथ में खाएंगे। ओके सर, सभी लोगों चार प्लेट है, मतलब हम लोग चार लोग, बितुल भैया, रूपम और उसके बाद वो आनंद भैया आएंगे, तो सभी लोग। तो पानी आ रहा है मेरा मुंह से अभी तो चुपचुप निकल गया है, रोक नहीं पाया। नाम पर खा दिया। ओके अभी आनंद भैया आएंगे, उसके बाद हम लोग अपना ये खाना को आराम करेंगे। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर खाना पीना भी हो चुका है एंड पूरा क्लीन कर दे भाई, देखिए बस ये जो एक्स्ट्रा जो बचा है ना वेस्ट वो। और कैसा लगा सभी को खा कर? बितुल भैया आपसे राय लेना चाहेंगे, फीडबैक। जस्ट मैं पहली बार खाया हूँ इस तरह आइटम। और कितना खाया बितुल भैया एक बार बता दीजिए तो? खाया मैं तीन से कुछ खाया, चार टू खाया। बितुल भैया अभी झूठ बोल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, समथिंग समथिंग। मैं चाहो तो और भी खा सकता हूं, लेकिन नहीं खाऊंगा। चलो कोई खाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो भाई सही है। तो हम लोगों का खाना पीना हो चुका है एंड अब यहां से चलेंगे अपने घर की तरफ। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, और आपको भाई दूज की बहुत बहुत मुबारक। ओके तो यहाँ पर अभी रूपम और बितुल भी जा रहा है। बाय बाय, हमको छोड़ दो ना, हमको छोड़ दो। ये भैया का थोड़ा सा लेट होगा, इतना देर में छोड़ कर आ जाएगा, क्या बोलते हो भाई? एक मिनट करता है मैटर करता भाई, ऐसा मत करो। भैया आप तो रफ्तार है, आप तो छोड़ दीजिए। नहीं जाऊंगा। तो उसको पनिशमेंट दे रहे हो, पनिशमेंट। अभी मतलब एक्चुअली ये भैया भी जाएगा ऑर्डर, भैया भैया ही है, मतलब एक तरह से हमारा सीनियर है, लेकिन दोस्त दोस्ती हो गए तो दोस्त बुलाते हैं, मतलब मेरे दीदी के ही क्लास में थे ना। ये तो भैया बुलाते हैं दोस्त। अभी ऐसा होने से हमको किसी का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जाना तो बितुल भाई छोड़ देगा, हमको पता है ना बितुल भाई बहुत अच्छा है। ओ हाँ ठीक है ठीक है, बितुल भाई बता लिया। बितुल भाई अभी हमको लिफ्ट देगा। थैंक यू थैंक यू। बाय भैया, हाँ ठीक है तुम यहीं पर रुको। हाँ बितुल भैया, हाँ दोस्त के नाते यहाँ पर चलिए आपको भी जाइए, बितुल अभी रूपम का भी हेल्प करना है ना। बाय बाय, मिलेंगे कल। हाँ Hours later. आज देखिए डिनर में क्या बना है, मटन बिरयानी। और ये जो मटन बिरयानी है आज मेरे पापा ने बनाया, और कैसा बना कोई बताओ? आप बस सोच के नहीं, अच्छा से बताओ कैसा बना है। अच्छा तो बना कि नहीं? घर में तो फर्स्ट टाइम बना, फर्स्ट टाइम बना है आज पापा ने बनाया। और सभी लोग एक साथ बैठे, उधर अम्मी बैठी हुई, इधर दोनों बहन, उधर भाई पापा और मैं इधर बैठ के, तो सभी लोग खाना भी शुरू कर दिया और मैं वीडियो का चक्कर में अभी तक छुआ भी नहीं। तो अब जल्दी से चलिए अपना ये टेस्टी बिरयानी को फिनिश करते हैं, और देखने के साथ ही मुँह से पानी भी आ रहा है। चलो गाइस खाते हैं इसको भी।
अभी मेरा डिनर हो चुका है एंड मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि शाम के समय मैं गया था वहाँ पर माला रोटी सियाल रोटी ऐसे कुछ कहते वो खाया था ना, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मतलब 70% पेट भर ही चुका था। फिर यहाँ पर आकर फिर भी एक थाली पूरा खाया बिरयानी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल गाइस अभी इस ब्लॉग में बस इतने हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे सोना भी जरूरत है। तो अभी चलते हैं सोने के लिए एंड इस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं एंड जल्द मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।